अस्सलाम वालेकुम माय होम शेफ्स, दिस इज़ फराह। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाऊंगी वो है जिंगर रोल विथ टोर्टेला। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, यहाँ हमारे पास बोनलेस चिकन है 600 ग्राम। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे सिरका 1.5 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, स्मोक पेपरिका पाउडर भी इसमें शामिल करूंगी। अगर नहीं है तो आप जो सिंपल पेपरिका पाउडर आप वो डाल सकते हैं 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 टीस्पून डालेंगे इसके अंदर अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। गार्लिक पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो गार्लिक को क्रश करके इसके अंदर डाल सकते हैं। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट। चाइनीज सॉल्ट नहीं तो चिकन पाउडर भी आप इसके अंदर 1/2 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। चाइनीज सॉल्ट नहीं तो आप नॉर्मल सॉल्ट ही ऐड कर लें, कोई मसला नहीं। और अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो चिकन पाउडर इसके अंदर 1/2 टीस्पून शामिल कर दें। अब इसके अंदर 1 टीस्पून हॉट सॉस ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून सोया सॉस। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, एक और बात आपको बोलना भूल गई, ये देखें आप इस तरह से स्ट्राइप में काट लें चिकन को, जूलियन कट कर लें, ठीक है। मैरिनेट करने के बाद 2 से 3 घंटे के लिए रेस्ट देंगे। अब चिकन के लिए हम वेट बैटर तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मैदा 1/2 कप, कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून, चाइनीज सॉल्ट इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, अनियन पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1/2 टीस्पून, स्मोक्ड है ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके अंदर चिल्ड वाटर ठंडा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 3/4 कप पानी शामिल कर दें। कंसिस्टेंसी देखें इसकी ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा रनी नहीं हुई। तो इसको सेट करेंगे। जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ हम 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर लेंगे, 2 टेबल स्पून कॉर्न स्टार्च, पेपरिका पाउडर स्मोक्ड पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून, 1 टीस्पून चाइनीज सॉल्ट, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, अनियन पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिंगर रोल के लिए डिप तैयार करेंगे। तो मैं 2 डिप तैयार करूंगी। तकरीबन इसके अंदर 4 टेबल स्पून या आप 1/2 कप मेयोनीज ले लें। साथ ही इसके अंदर शामिल करेंगे ग्रेट गार्लिक तकरीबन 1 टीस्पून, वेनेगर इसके अंदर शामिल करेंगे, ये वाइट वेनेगर है 1 टेबल स्पून, कैचअप इसके अंदर शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर इसके अंदर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये 1 डिप तैयार है। एक और भी डिप बनाते हैं हम, एक और डिप बनाएंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे चिपोटले 2 टेबल स्पून घोस्ट पेपर सॉस, वो इसके अंदर ऐड करेंगे।
इसकी रेसिपी मेरे चैनल मौजूद है, इसकी लिंक मैं आपको आई कार्ड में दे दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून आप इसके अंदर शामिल कर दें। अगर आपको हॉट एंड स्पाइसी चाहिए तो ये वाली सॉस भी तैयार करें, वरना नहीं करें, सिर्फ एक ही सॉस रहने दें, इससे आपको ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। तो ये देखें, ये भी हमारा तैयार है सॉस। अगर आपको ज़्यादा तीखा लगे तो आप 1 टेबल स्पून ले लें। हमारे बहुत सॉस तैयार है, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। चिकन के अंदर जो फिलिंग करेंगे उसके लिए हमें चाहिए लेटस लीव्स, अनियन और सीडलेस टमेटोज। जिस तरह मैंने काटे इस तरह से आप लोग काट लें, ठीक है। तो चले चिकन के ऊपर पैटर लगाते हैं और फिर फ्राई की तैयारी करते हैं। ये देखिए, आप एक चिकन उठाएंगे इसमें से और इसके अंदर बैटर के अंदर डीप करेंगे, साथ ही इसको उठाकर ड्राई फ्रायर के अंदर डाल दें। इसको अच्छी तरह से ड्राई फ्रायर में कोट करेंगे। एक्सेस फ्लावर जो है वो उसको इस तरह से आप झाड़ दें। अब इसको इस तरह से रखते जाएंगे। चलिए आप फ्राई करते हैं। ये जो हमारे पास ऑयल है, मैं इसको एक दफा यूज करी हूँ गोस्ट पेपर चिकन के लिए, तो सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद डिस्कार्ड कर दूंगी। तेल को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, इसे दो दफ़ा आप यूज़ करें उसके बाद आप फेंक दें। 350 फ़ारेनहाइट पर इसकी टेम्परेचर होनी चाहिए ऑयल की। अब इसके अंदर डालेंगे बिस्मिल्लाह। इस तरह जबरदस्त क्रिस्पी चिकन हमारा तैयार है। अब इसे निकालेंगे। देखिए हमारे पास टॉर्टिला रैप है। अब इसे हल्के से गर्म करेंगे। जब भी आप टॉर्टिला रैप लाए तो उसे थोड़ा सा गर्म कर लें। ये देखिए, हल्के से गरम करने से सबसे पहले व्हाइट सॉस लगाएंगे। अगर आपको टॉर्टिला की रेसिपी चाहिए तो मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूंगी। इसके ऊपर लेटस लीव डालेंगे। इस तरह रखेंगे, एक दो अनियन रख दें। अगर अनियन की टेस्ट आपको पसंद नहीं तो आप इसे भी स्किप कर सकते हैं। देखिए जबरदस्त क्रिस्पी चिकन हमारा तैयार है। अब इसके ऊपर रेड वाले मेयो डालेंगे। बहुत ज्यादा ना डालें, बहुत स्पाइसी है ये। थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, दबाकर फोल्ड करें, ठीक है। ये देखिए, देखिए इस तरह से सैंडविच पेपर या आप बटर पेपर में भी रैप कर सकते हैं। फिंगर रोल विथ टॉर्टिला तैयार है, आप इसे जरूर ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें, स्टे सेफ, लॉट्स ऑफ लव। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।